दोस्तों नमस्कार। जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलाते हैं तो हमारे पास एटीएम कार्ड आता है, यानी कि डेबिट कार्ड आता है। तो सबसे पहले डेबिट कार्ड को एक्टिव कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ऑनलाइन घर बैठे आप डेबिट कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है, यानी कि एटीएम कार्ड है, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से जो है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिए, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड कैसे एक्टिवेट किया जाता है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे जो है आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे एम पिन इंटर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एम पिन इंटर कर देते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है तो किस तरह से किया जाता है, उसका भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख के फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप होम पेज पे पहुँच जाएंगे। होम पेज पे पहुँचने के बाद यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है ऊपर में जो है, उसके बाद यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि प्रोफाइल सेटिंग पेंडिंग रिक्वेस्ट के नीचे में है, एटीएम डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आपको फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीका है जो कि आप निकाल सकते हैं, जो कि आप बना सकते हैं नया इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड। एक तरीका है क्वेश्चन के द्वारा, तो आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है उसका आंसर तो उससे निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है एटीएम कार्ड का नंबर यहाँ पे आप इंटर करेंगे, उसके बाद एटीएम पिन यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ये एटीएम कार्ड का डिटेल यहाँ पे इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, और ऐसा करने के बाद आपके सामने में नेक्स्ट पेज खुले। इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे आपको जो देना है वो यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए आप यहाँ पे इंटर करेंगे। और 8 से 20 करेक्टर का कम से कम पासवर्ड होने चाहिए, और कुछ डिजिट स्पेशल में होना चाहिए, कुछ यहाँ पे नॉमिनल भी दे सकते हैं, कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल में भी आप दे सकते हैं। आप कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे, और ऐसा करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद गो टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप चाहे तो रेटिंग भी दे सकते हैं, नहीं तो इस पेज को यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे आप होम पेज पे आ जाएंगे। फिर से होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, नीचे में एक ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जो आपने इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। तो इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड देने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, और ऐसा करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज आपके सामने में खुल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिया गया है, ब्लॉक कार्ड, मैनेज कार्ड, एक ऑप्शन है एक्टिवेट कार्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक्टिवेट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट अकाउंट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी अकाउंट होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो जिस अकाउंट के लिए जो भी आप डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड मंगाए हैं उसका यहाँ पे कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करें। एटीएम कार्ड का यहाँ पे नंबर आपको इंटर करना है, फुल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर, इसके बाद नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, और ऐसा करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर किसी कारणवश ओटीपी नहीं आता है तो रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओटीपी इंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी इंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम ओटीपी इंटर कर चुके हैं, इसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करें। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेशन योर कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे आपका कार्ड जो है एक्टिवेट हो चुका है। तो ओके पे क्लिक तरीके से जो है अपने एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप योनो एसबीआई से एक्टिवेट करते हैं तो यूज़र नेम पासवर्ड अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो अगर आप पता करना चाहते हैं यूज़र नेम तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पासवर्ड किस तरह से बनाया जाता है उसका भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जो कि आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।